पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं मुरादाबाद आया हूं और यहां पर विभागीय समीक्षा मेरे द्वारा की गई है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया और सभी ने फूल मालाएं तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। बाद में हूं और यहां विभागीय समीक्षा हमारे द्वारा की गई है। जो हमारे आईटीआई के कोर्सेज हैं उनमें और मॉडर्नाइज तरीके से उनको अपडेट्स करके जो जो पुराने कोर्स हैं उनको हटाने का काम और जो नए अपडेट्स हैं और नई नई आवश्यकताएँ हैं उनके हिसाब से हम उनका रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ताकि नए नए कोर्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हैं उनको हम जोड़ने का काम करें। इसके साथ साथ जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स में जो ड्रोन में हम ला रहे हैं, एविएशन में हम ला रहे हैं और इंटरमीडिएट कॉलेजों को भी हमारे जो मिशन है उससे हम जुड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ही स्किल होकर के शानदार तरीके से काम कर सकें। जो प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री का संकल्प है कि नौजवान आत्मनिर्भर हों, स्वावलंबी हों और केवल नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले यानी एंटरप्रेन्योर भी बन सकें, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बताया ना मैंने आपको कि नए नए कोर्सेज ला करके जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जैसे सौर ऊर्जा में बहुत बड़ा काम हो रहा है उसकी आवश्यकता है, प्लम्बिंग में बहुत बड़ा काम है, जितने गैस कनेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर को नल से जल, तो इसमें बहुत सारे प्लम्बर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्लम्बर हमारे यहाँ पहले से ही है, उसको और अधिक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा में, सोलर में बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे। और जो एविएशन है, चूँकि हवाई जहाज आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जुड़ेगा, तो उसमें बहुत सारे स्किल लोगों की जरूरत है, टेक्निकल लोगों की जरूरत है, ऐसे सब लोगों को ला करके विभाग से जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा स्कोप हमारे फील्ड के अंदर होगा और युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको जुड़ने का हम काम करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।